हेलो फ्रेंड्स, एज पर यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं सौरभ शर्मा आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स कवर कराऊंगा। तो काफ़ी सारे बच्चों की डाउट्स थे या फिर क्वेरीज आ रही थी कि सर कब से आप मैथ्स और रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहे हो। तो आज हम रीजनिंग का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है सिमिलैरिटी और एनालॉगी। अभी मैं समझाऊंगा सारे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन मिनिमम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो हरियाणा का ग्रुप डी है, चाहे वो HSC GD है, चाहे रेलवे का ग्रुप डी है, चाहे वो CGL CHSL MTS कोई भी एग्ज़ाम है बैंकिंग का, सब में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, आज का पहला जो क्वेश्चन है वो देखें, स्मॉग पॉल्यूशन तो वार ? तो इसका पहले मैं मेथड समझाता हूँ कि इन तरह के क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। देखो, स्मॉग और पोल्यूशन के बीच में कोई रिलेशन है, क्या रिलेशन है कि भाई स्मॉग अगर है, स्मॉग की वजह से, धुआं की वजह से क्या होता है, पोल्यूशन होता है, सही बात है। तो वॉर की वजह से क्या होगा, तो वॉर से क्या होता है, युद्ध से क्या होगा, युद्ध से जीत, पीस, ट्रीटी, डिस्ट्रक्शन। तो जिस तरह से स्मॉग का गंदा इफेक्ट क्या होता है, पॉल्यूशन, स्मोक का गंदा इफेक्ट पॉल्यूशन, इस तरह से वॉर का गंदा इफेक्ट क्या है, डिस्ट्रक्शन, क्या है, डिस्ट्रक्शन। तो समझ पा रहे हो, इस तरह से रिलेशंस फाइंड आउट करने, जो स्मोक और पॉल्यूशन के बीच में रिलेशन है हमें बताने कि वॉर का किसके साथ होगा, तो वॉर का जो रिलेशन होगा वो होगा डिस्ट्रक्शन, क्योंकि युद्ध में क्या होता है, विनाश, समझे। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और मैंने नंबर भी प्रोवाइड किया, आप उस पर भी मैथ्स और रीजनिंग दोनों के डाउट्स मेरे से ले सकते हैं। तो वॉर का यहाँ पे है, वो है संबंध किसके साथ, डिस्ट्रक्शन के साथ। तो क्लियर, कोई डाउट, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका सही आंसर है डिस्ट्रक्शन, ठीक है बच्चों, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एनालॉगी का, आपकी स्क्रीन पर है। देखो, इंक पेन, इंक और पेन क्या रिलेशन होगा, इंक का पेन के साथ जो भी रिलेशन होगा वही बताना है। ब्लड का किसके साथ होगा, एक्सीडेंट के साथ, डॉक्टर के साथ, वीन डोनेशन। तो देखो, पेन के अंदर जो रिफिल होती है उसके अंदर क्या होती है, इंक होती है। मतलब कह सकते हैं कि पेन के अंदर क्या, इंक फ्लो करती है। इस तरह से ब्लड किसके अंदर फ्लो, जो इंक किसके अंदर फ्लो करती है, पेन के अंदर। इस तरह से ब्लड किसके अंदर फ्लो करेगा, वीन्स के अंदर, समझ आ गए। ब्लड किसके अंदर फ्लो करेगा, वीन्स, समझ पा रहे हो। जैसे पेन के अंदर इंक फ्लो करती है, उस तरह से वीन्स के अंदर क्या फ्लो करता है, ब्लड। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सी, जो सही होगा सी। तो आपको बस एक रिलेशन फाइंड आउट करना है कि यार क्या रिलेशन है, क्या बताना चाह रहा है हमें क्वेश्चन, ठीक है। लायन डेन तो रैबिट व्हाट। तो देखो, लायन, ये आपको शायद कुछ बच्चों को मालूम नहीं होगा, जो लायन होता है उसका जो रहने का हाउस है, लिविंग जो प्लेस है जहाँ पे लायन जो शेर है वो रहता है, उसको हम बोलते हैं डेन, ठीक है। जहाँ पे शेर रहता है उसको बोलते हैं हम डेन, और जहाँ पे रैबिट रहता है उस प्लेस को बोलते हैं बुरो। तो इसका जो ऑप्शन है वो है सी, बुरो, बुरो इसका सही आंसर है, ठीक है। लिविंग प्लेस, लाइन का डैन है तो डेबिट का क्या हो गया, बुरो, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम आज का, जो चौथा क्वेश्चन है वो कहता है कि थंडर रेन तो व्हाट इज द रिलेशन विद नाइट। जो थंडर और रेन के बीच में रिलेशन है वो रिलेशन नाइट के साथ किसका है, डे का है, डस्क का है, डार्क का है, इवनिंग का है, तो ठीक है। ये पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जितने भी मैंने कराने की कोशिश की है, आप टेस्ट करें अपने आपको कि आप कितने कर पा रहे हैं। मैंने सही सही क्वेश्चंस पिक किए हैं, और भी आगे मैं क्वेश्चंस लाता रहूँगा हर तरह के, हर क्वेश्चन आप अपने जो सीखना चाहते हैं, जो भी चैप्टर आप वो भी मुझे बता सकते हैं। तो देखो, थंडर रेन, इसके पीछे जो रीजनिंग है वो बताई गई है कि जो रेन है वो फॉलो, रेन के तुरंत बाद क्या आती है, थंडर, गर्जना, आकाश में आप देखते हो बिजली चमकने लगती है, तो इसी तरह से नाइट के बाद क्या आती है, डस्क, क्या आता है, डस्क। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डस्क, ठीक है बच्चों। रेन के, वर्षा के तुरंत बाद क्या होता है, तुरंत बाद मतलब साथ के साथ थंडर होती है, गर्जना। तो इसी तरह से नाइट के तुरंत बाद क्या जाता है, डस्क। नाइट की जो अगली स्टेज है उसको बोलते हैं हम डस्क, रात के बाद जो है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन तो कांग्रेस का क्या रिलेशन होगा। तो देखो बच्चों, पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन क्या रिलेशन है, तो जो ग्रेट ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, ठीक है, उसको संसद है, उसको पार्लियामेंट ही कहते हैं, ठीक है। तो कांग्रेस कहाँ का पार्लियामेंट है, जापान का, इंडिया का, यूएसए का, नीदरलैंड का। तो बच्चों, यूएसए का जो पार्लियामेंट है, यूएसए की जो संसद है, उसका नाम है कांग्रेस, ठीक है, समझे। तो
जो ग्रेट ब्रिटेन है उसका जो संसद है उसका नाम ही पार्लियामेंट है, तो और जो यूएसए है उसका जो पार्लियामेंट है उसका जो संसद है उसको उसका नाम है कांग्रेस, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा यूएसए। ठीक है, देखो एज यू पार्क एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट ऑफ यूएसए इज कॉल्ड कांग्रेस, ठीक है, और ग्रेट ब्रिटेन के पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही कहा जाता है। चलिए आज के सिक्स क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आज के जो सिक्स क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। फ्लो रिवर, फ्लो का रिवर के साथ कुछ रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होगा कि भाई रिवर के अंदर क्या पानी फ्लो करता है। स्टेगनेंट, स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ, थमा हुआ। अब बताओ किसका पानी थमा हुआ होता है, पूल का, सही बात है, पूल का पानी थमा, रेन का पानी चलता है, स्ट्रीम का भी चलता है, कैनाल नहर जो होती है उनका भी पानी चलता है। तो स्टेगनेंस किस, स्टेगनेंट मतलब थमा हुआ पानी किसका होता है, पूल का, रिवर का फ्लो करता है पानी, तो पूल का क्या होगा, स्टेगनेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पूल। क्लियर, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग के कोई भी डाउट। आज सेवन, देखो इसका जो आंसर है वो होगा पूल, ठीक है, क्लियर। आज सेवन क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है, तो देखते हैं सेवन क्वेश्चन क्या कहता है। साइकोलॉजी माइंड, ओमेटोलॉजी व्हाट, और साइकोलॉजी माइंड, देखो साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी होती है जो माइंड से रिलेटेड चीज़ों की जो स्टडी करते हैं वो हम साइकोलॉजी, मेंटल कंडीशंस वगैरह ये सब किसका पार्ट है, साइकोलॉजी का, ठीक है। इस तरह से ओमेथोलॉजी किसकी स्टडी है, माइंड की जो स्टडी है, माइंड मेंटल कंडीशंस वगैरह सिचुएशन वगैरह वो सब की स्टडी को हम बोलते हैं साइकोलॉजी। ऐसे ओमेथोलॉजी किसकी है, बर्ड्स की, संस्कृत की भी नहीं है, कॉइन की भी नहीं है, मैमल्स की भी नहीं है, बर्ड्स, बर्ड्स की जो स्टडी है वो कहलाती है ओमेथोलॉजी। क्लियर, तो जैसे माइंड की जो स्टडी है उसको साइकोलॉजी बोलते हैं, माइंड को टेस्ट करने कहते हैं साइकोलॉजी टेस्ट, तो इसलिए बर्ड्स की जो स्टडी है उसको हम बोलते हैं ओमिथोलॉजी। ये स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्पेशली इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो होगा डी, बर्ड। ये मैंने सही आंसर दिखा दिया आपको, बर्ड इज द राइट आंसर। चलते एट्थ, आज का एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, मदर चाइल्ड, तो क्लाउड का रिलेशन हमें बताना है इनमें से किसके साथ है, जो मदर और चाइल्ड के बीच का रिलेशन है वो हमें बताना है क्लाउड का इनमें से किसके साथ है। तो मदर चाइल्ड मतलब मम्मी का बच्चे के साथ कुछ संबंध होगा, अब क्लाउड का किसके साथ होगा, शाइन के साथ, वाटर के साथ, रेन के साथ या वेदर के साथ। तो ठीक है बच्चों, आप आसानी से ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हो कि क्लाउड का किसके साथ संबंध होगा, रेन के साथ, क्योंकि बच्चा किसकी वजह से होता है, माता की वजह से, माता ही तो जन्म देती है, ऐसे रेन को कौन जन्म देता है, वर्षा को कौन जन्म देता है, क्लाउड्स। नहीं समझ पा रहे भाई, बच्चा माता के द्वारा जन्मा जाता है, ऐसी रेन जो होती है वो किसकी वजह से होती है, क्लाउड्स की वजह से, ठीक है बच्चों। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रेन। तो आप एज यू पार्क एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि क्लाउड कॉजेज रेन, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह के आपको रीजनिंग, ये दैट्स वाई इट इज कॉल्ड रीजनिंग, आपको अपना मेंटल लेवल सुधारना है, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि यार क्या रिलेशन है पहले दो में, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे सीखते जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें, मैं और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके सामने, ठीक है। नाइन्थ, थ्रेड क्लॉथ तो वायर वॉट, थ्रेड का जो क्लॉथ के साथ संबंध है तो हमें बताना वायर का इनमें से किसके साथ होगा। तो देखो क्लॉथ जो है वो किससे बनता है, धागा, तो कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। क्लॉथ जो है वो किससे बनाया जाता है, धागे के साथ बनाया जाता है, तो वायर क्या बनाता है, जब थ्रेड क्या बनाता है, क्लॉथ, देखो थ्रेड क्या बनाता है, क्लॉथ, तो वायर क्या बनाता है, मैश, वायर क्या बनाते हैं, मैश, ठीक है, शाखाएं, ब्रांचेस, मैश बनाते हैं, ना तो टेलीग्राफ, ना रोप, रस्सी, ना सीव, इसे बनता है मैश। तो थ्रेड का जो क्लॉथ के साथ संबंध है वो वायर का किसके साथ होगा, मैश के साथ, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मैश, क्योंकि थ्रेड क्या बनाता है, क्लॉथ, और वायर बनाता है मैश। आज का 10th क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है, देखो थर्मामीटर टेम्परेचर तो हमें बताना है कि हाइग्रोमीटर, तो देखो आप सभी को पता है आप जब भी आपको बुखार आता है तो डॉक्टर क्या लगाता है, टेम्परेचर, सॉरी थर्मामीटर लगाता है। थर्मामीटर क्यों लगाता है, भाई आपके बॉडी के टेम्परेचर को जान सके, इसलिए हाइग्रोमीटर है वो किसके लिए, किसको मापने के काम आता है, प्रेशर को, डेंसिटी को, स्ट्रेस को या ह्यूमिडिटी को, तो बच्चों वो आता है ह्यूमिडिटी को, ह्यूमिडिटी को मापने के लिए हम जो मीटर का प्रयोग करते हैं होता है हाइग्रोमीटर, ठीक है बच्चों। जिस तरह से टेम्परेचर को हम थर्मामीटर से मापते हैं उसी तरह से ह्यूमिडिटी को हम हाइग्रोमीटर से दर्शाते हैं। चलिए कंप्यूटर जी सही आंसर दिखा दीजिए, तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया ह्यूमिडिटी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11,
लॉक की तो क्राइम, जैसे लॉक को खोलने के लिए किसका यूज किया जाता है, की का, उसी प्रकार से क्राइम को खोलने के लिए, क्राइम को सुलझाने के लिए, किसी भी अपराध को सुलझाने के लिए क्या की जाती है, इन्वेस्टिगेशन। समझ गए, ना तो मिस्ट्री, ना क्रिमिनल, ना कन्विक्शन, ये सीधी सी बात है। जिस तरह से लॉक को खोलने के लिए की का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह से क्राइम को सुलझाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम उस क्राइम में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12th पे आते हैं, ऑक्सीजन बर्न तो कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बर्निंग के लिए क्या आवश्यक होता है, ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन जल नहीं सकती कोई भी चीज़, तो बर्निंग के लिए जिस तरह से ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए रिक्वायर्ड होती है, आइसोलेट, फॉर्म, एक्सटिंग्विश या फिर एक्सप्लोड। तो CO2 जो है, ये बात याद रखें, जिसको नहीं पता है, वो फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होती है, आग को बुझाने के लिए हम CO2 का यूज करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। कंप्यूटर जी स्क्रीन पर दिखा दीजिए सी। ठीक है बच्चों, आज का 13वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 13वां क्वेश्चन कहता है कि टुडे, डे बिफोर येस्टरडे, तो जनवरी वॉट। देखो टुडे, टुडे मतलब आज, और डे बिफोर येस्टरडे मतलब बीता हुआ परसों, मतलब डे येस्टरडे कल, और डे बिफोर येस्टरडे मतलब उससे पहला दिन, आज, उससे पहला कल, येस्टरडे, और उससे भी पहले दिन की बात हो रही है। तो जनवरी, जनवरी से पहले क्या रहा होगा, दिसंबर, और उससे भी पहले क्या रहा होगा, नवंबर। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो होगा नवंबर। ठीक है समझे, इसका जो सही आंसर होगा वो नवंबर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। फूडर कैटल, जो फूडर का कैटल के साथ है, तो हमें बताना है इनमें से उन वो रिलेशन किन के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो देखो बच्चों, जो कैटल है, कैटल को जो जो खाना है, जो वो खाता है, उसको हम बोलते हैं भोजन। कैटल के भोजन को हम कहते हैं फूडर। कैटल के भोजन क्या कहते हैं, फूडर। उसी तरह से देखो, इंक का कोई भोजन नहीं होता भाई, स्टिक का भी, जूस का भी कोई भोजन नहीं होता। हॉर्सेज का जो भोजन है उसको वो ग्रास, घोड़े क्या खाते हैं, घास खाते हैं। तो जिस तरह से कैटल का फूड है फूडर, उस तरह से हॉर्सेज का जो खाना है उस वो है ग्रास। ठीक है, आज का ये सही ऑप्शन दिखा दें कंप्यूटर जी, और उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। नेफ्यू तो डॉटर वट, देखो सन होता है बेटा, नेफ्यू होता है भतीजा, तो डॉटर क्या होती है, बेटी। तो इसके आंसर, सही आंसर हो जाएगा भतीजी, ए, नीस। ठीक है बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो होगा नीस। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको रीजनिंग की क्लास लगी ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। आपके लिए मैथ की क्लास भी हम जल्दी लेने जा रहे हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।